control calling all police stations and mobiles. They have to check each and every, I repeat, they have to check each and every optician in their area. They should be on the lookout for a person who has glasses made of the power minus 5.25, cylindrical 0.5 and axis 160 degrees. नगरकर साहब, ये चार लोग हैं जो हाल में ही जेल से छूटे हैं। इनके आंखें टेस्ट करके बताओ कि इनमें से किसकी आंख का पावर माइनस 5.25 है। ठीक है, लेके आइए एक एक करके। सुधाकर, पहले कांगला को लेके आओ। कांगला, अनिल कांगला, मगिंग, रॉबरी और मर्डर असॉल्ट में 7 साल। डॉक्टर सालुंके ने डीएनए टेस्टिंग से इसे सजा दिलवाई। ठुड्डी यहां रखो। बॉडी खोल। सिर्फ 1.75। पावर माइनस 5.25, सिलिंड्रिकल 0.5 एंड एक्सिस 160 डिग्री। जरा जल्दी बताओ साहब, आपके यहां से किसी ने ऐसा चश्मा बनवाया? रविंद्र चाकू। चलो। मर्डर से सॉल्ट, 9 साल की जेल। डॉक्टर सालुंके ने मरने वाले के कपड़ों से इसकी उंगलियों के निशान उठाए थे। इधर रखो, नीचे। हाँ, बाकी बॉडी को लो। 5.5। ये भी 5.25 नहीं है। मिल गया? हाँ मिल गया साहब, हमारी ट्रेनिंग हुई है जिंदगी में डायरी बराबर लिखना। हाँ बोलो, उस आदमी का नाम जिसने यहाँ चश्मा बनवाया? ये आदमी नहीं, औरत है। औरत है? अच्छा, नाम बोलो। शांता कुमारी। शांता कुमारी। उसके बाप का नाम? किसी के बाप का नाम थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे। अरे बाप का नाम डायरी में लिखना बहुत जरूरी है साहब। अच्छा पता? 145 मनोहर चाल, कांदरवाड़ी। आपका नाम? किशोरी लाल। किशोरी लाल। आपके बाप का नाम? जी हाँ, मेरा ही नाम शांता कुमारी है। अरे चश्मा बनाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? नहीं, बात तो बड़ी नहीं हुई, बात छोटी सी है। वो ये कि आपके चश्मे का नंबर माइनस 5.25 है और साथ में सिलिंड्रिकल एक्सिस 160 डिग्रीज भी है। वो आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए। अरे बुढ़ापे में यही सब कुछ तो होगा ना। अच्छा, आपका चश्मा टूटा कैसे? टूटा कैसे? वो गिर गया। कैसे? कैसे? वो हाथ से गिर गया। कहाँ? यहाँ पे? अरे यहीं पर, यहाँ नहीं तो कहाँ। मैं कहीं बाहर आती जाती तो नहीं हूँ। तो फिर वो लेंस का टुकड़ा वहाँ कैसे आया? कौन है माँ? बाहर कौन है? ये अंदर कौन है? अरे अब उसने कुछ नहीं किया है, मेरा बेटा है वो। सिरों से बाहर बुलाएंगे? उसने कुछ नहीं किया, अब क्या किया है उसने? देखिए, हमने आपसे कुछ बोला नहीं। कौन है माँ? अरे उसने कुछ नहीं किया, आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अबे निकल, चल, मुझे चला रहना है, चल, मेरे बेटे को मार रहे, देखो मैं तुम्हारे चश्मे के पीछे पकड़ कर मुझे ले, छोड़ो, छोड़ो, मेरे बेटे को, चल, अरे मेरे बेटे को मार रहे, मेरे बेटे को मार रहे, इस बार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बैठ, छोड़ना पड़ेगा साहब, पिछली बार भी वो आपको कुछ नहीं मिला, क्या किया है आपने मुझे पकड़कर? मेरी आंखों का टेस्ट करवाया और क्या? चाहिए तो फिर से करवा लो। ना ना बेटा, इस बार हम तुम्हारी आंखों का टेस्ट नहीं करवाएंगे। वो जो होना था सो हो गया। इस बार 40,000 पुलिस वालों ने दिन रात लग के इस टूटे हुए कांच के मालिक को ढूंढा है। क्या ढूंढा है? तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था मेरे घर में घुसने का, बस। तुम्हारी माँ का चश्मा टूट गया था, है ना? वो वहां पे टूटा, रंजन के घर पे, जब तुम उसका खून कर रहे थे, तुम्हारी जेब से गिर के टूटा वो चश्मा। ये क्या दास्तान है? मैं चश्मा लेके घर पहुंचा तो घर की सीढ़ियों से पैर फिसला, मैं गिर गया और चश्मा टूट गया। आपको कैसे मालूम कि ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे माँ के चश्मे का ही है? सुना है सीआईडी ने किसी आदमी को पकड़ा है और उससे कोई कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे। कांच का टुकड़ा? अरे यहाँ इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मर्डर स्पॉट पर, और वहाँ कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे हैं। अरे कोई कांच के टुकड़े से फिंगरप्रिंट्स कुरेदे तो नहीं जा सकते? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स वहाँ है। ये बात तो सच है कि उन फिंगरप्रिंट्स के सामने इस कांच के टुकड़े का टिकना मुश्किल है।
और ये बात भी साबित करना मुश्किल है कि ये कांच का टुकड़ा रविंदर की माँ के चश्मे का है। सर, सर ऑफिस आ रहा था तो सामने अचानक डॉक्टर सालुंखे का बना हुआ ये पॉट दिख गया। मैंने सोचा इसे ऑफिस में रख देता हूँ। ये वही पॉट है सर, इसमें से पानी लीक हुआ था। पहले जब इन्हें देखते थे तो हंसी आती थी, मगर आज आंखें भरा। ओह माय गॉड, अरे ये तो सब टूट गए। अब इन्हें रखने के बजाय फेंकने पड़ेंगे। बेचारा इतनी मेहनत से बनाता था। एक मिनट अभिजीत, तो डॉक्टर सालुंखे अपने टूटे हुए पॉट्स कहाँ फेंकता था? क्यों सर? नहीं, एक बात ध्यान में आई है। चलो चलो, लेट्स गो, चलो। अरे आज आपको मेरे पॉट्स कैसे याद आ गए? सबके सब चले आए, एक और पॉट चाहिए। देखो दोस्त, तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा सामान बाजू में रख दो और काम की बात करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, कैसे हुआ ये मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। तो फिर यहाँ कैसे चले आए? एक मिनट। यस। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे ये पॉट्स, ये मिट्टी खराब होती है तो तुम इन्हें फेंक देते हो या यहीं पड़े रहने देते हो? नहीं, जब ज्यादा हो जाता है तो फेंक देता हूँ। कहाँ पे? मैं बैग में भर के बाहर रख देता हूँ। वॉचमैन आता है, बिल्डिंग के पीछे गार्बेज डंप है, वहां फेंक देता है। लगता है इस रविंद्र को तुम्हारा कचरा पसंद आया है। सर ये है यहाँ का वॉचमैन। नमस्ते साहब। वॉचमैन बताओ, इस गैराज को किसने खोला था डॉक्टर साहब के अलावा? नहीं साहब, कभी नहीं, मैं तो यहीं बाहर ही बैठा रहता हूँ साहब। इस आदमी को कभी देखा है? हाँ साहब, ये आदमी देखा देखा सा लगता है। गुड, अब आए ना लाइन पे। कहाँ देखा था इसे? ये है वो जगह जहाँ हमारी बिल्डिंग का कचरा आता है। आसपास के बिल्डिंग वाले भी यहीं कचरा फेंकते हैं। ये है वो जगह जहाँ डॉक्टर सालुंखे का टूटा फूटा मिट्टी का सामान और पॉट्स फेंके जाते हैं। अब यहाँ इस कचरे से कैसे बात करें कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है? तो वो वहाँ पे एक पान वाला है। सुनो भाई। जी साहब। वो जो सामने कचरा है उसके बारे में कुछ पूछना है। क्यों साहब, कचरा आपको खरीदना है क्या? अगर खरीदना है तो कॉर्पोरेशन वाले से बात कीजिए ना। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, बात बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, यहाँ इस कचरे के आसपास किसी को देखा तुमने कभी? नहीं साहब, वो कचरे वाली जो गाड़ी आती है ना। हाँ बस। उसके अलावा? उसके अलावा और कौन आएगा साहब, कचरा थोड़ी कोई चुरा के ले जाएगा। नहीं फिर भी और किसी को देखा तुमने? और फिर भी नहीं साहब, वो रात में एक दो कचरे वाले आते हैं बस, उसके अलावा मैं नहीं देखा कुछ। रात को आते हैं? ओ रात को जो आते हैं ना, थैला लटकाए हुए। रात को। जी शुक्रिया। जी साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम गरीब है साहब, कभी कभी रात में आकर के यहाँ प्लास्टिक की बोतल वगैरह चुन लेते हैं बस, और कुछ नहीं साहब। अरे हम लोग वो नहीं पूछ रहे। देखो ध्यान से जवाब दो, तुम लोगों के अलावा यहाँ रात में और कोई भी आता है कचरा उठाने के लिए? हम लोगों के अलावा साहब कोई? हाँ साहब, एक आध हफ्ते पहले मैंने एक आदमी को देखा था वहाँ कचरा ढूंढते हुए। ये था क्या? हाँ मैम साहब, यही था वो सब, यही था वो जो उस दिन यहाँ कचरा ढूंढ रहा। ये रविंदर है जो ये सब कर रहा है। अच्छा तो काफी कुछ चल रहा है। क्यों बे?
जब तूने ये जगह दिलवाई रविंदर को तब तुझे पता नहीं था वो क्या करने वाला है यहाँ? सब वो बोला बस एक महीने के लिए चाहिए, लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, मेरे पास जगह थी तो दे दी। ये मीटिंग हो रही है, हैं? ये मीटिंग हो रही है? सब डॉक्टर साड़ूं के कफे का वो सामान है। ये देखो मिट्टी, ये टूटे हुए पॉट्स, ये ग्लव्स, यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तुम आज यहाँ कैसे? डॉक्टर सालुंके का केस तो कल है। हम एक दूसरे केस में एविडेंस देने के लिए आए। कौन सा केस? वो दरिंदा वाला। ओह, इतने सारे एविडेंस, मैं देखूं? या प्लीज। वो तुमने पकड़ के रखा था। ये क्या है? ये आर्डिक्स जैसा एक सब्सटेंस है। फट तो नहीं जाएगा ना? नहीं, नहीं, आज नहीं। ओके, तो मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। सर अब होमवर्क करके आना। होमवर्क तो हो ही गया। सर इस केस में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक तरफ डॉक्टर सारुंखे हैं जिन पर खून का इल्जाम है और दूसरी तरफ पारितोष जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक दूसरे ही मर्डर केस की इंक्वायरी के बीच में हमें पारितोष जी के बारे में कुछ पता लगा जिससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या पता लग गया आपको? कहीं मेरी कुछ फोटोज तो नहीं मिल गई आपको? सर हमें यह पता लगा है कि ये खून पारितोष जी ने किया है। ऑर्डर, ऑर्डर। एसीपी प्रद्युमन, आप क्या कह रहे हैं आप समझते हैं ना? सर मैं अपने पूरे होश हवास में। सर ये देखिए ये गन जिससे खून हुआ, ये हमें उसी होटल में मिली जहां पे खून हुआ है। लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है? संबंध है, इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। जी हाँ सर, उसी होटल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें पारितोष जी मौजूद थे, ये वही होटल में थे, लेक्चर दे रहे थे। कहिए 12 तारीख को आप निखराना होटल में थे या नहीं? था। देखा वहां जिस ग्लास में इन्होंने पानी पिया, उस ग्लास पे जो उंगलियों के निशान थे वो इस गन के निशान से हमने मिलाए और वो मैच हो गए। आपको कैसे पता चला कि लाखों लोगों में से मेरे ही उंगलियों के निशान इस गन पर है? मिलॉर्ड ऐसे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर सालुंके को बचाने के लिए CID न जाने कहीं से मनगढ़ंत कहानी इस कोर्ट में लेकर आई है, और पता नहीं ये गन भी कहां से उठा लाए। मैंने आज तक किसी गन को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है और हुआ है। सर अगर आप चाहें तो किसी इंडिपेंडेंट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से ये प्रिंट्स चेक करवाएं और यहां सबके सामने पारितोष जी की उंगलियों के निशान लिए जाएं ताकि बाद में किसी को शक न हो। और सर ये गन मैं कोर्ट की कस्टडी में देता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो पारितोष जी के उंगलियों के निशान लिए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आ जाओ। ठीक है, आपकी फिंगरप्रिंट्स लेंगे। सर हाथ जरा आगे कीजिए, स्लीव्स ऊपर। मिलॉर्ड मेरे ACP दोस्त को मजाक करना आता है ये मुझे आज ही पता चला, लेकिन इतना भद्दा मजाक करेंगे, दिस नॉलेज इज शॉकिंग। सो प्लीज इसमें आते, प्लीज यहां पे। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाए। सबूत इतना सॉलिड है कि पारितोष जी का मुंह खुला का खुला ही रहेगा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था सर कि उनके ऊपर एक खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। पर सर ये फिंगरप्रिंट्स किसके पास भेजे जाएंगे? शायद डॉक्टर नाडकर्णी के पास। देखते हैं डॉक्टर नाडकर्णी कल कोर्ट में क्या कहते हैं। मिलॉर्ड
आई एम डॉक्टर नाडकर्णी, आई एम ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट. क्या आप फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लाए हैं? यस सर. तो ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट क्या कहती है? यही कि सर, कल कोर्ट में जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो गन के ऊपर पाए गए फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं. ए परफेक्ट मैच. थैंक यू मिस्टर नाडकर्णी, आप जा सकते हैं. थैंक यू मिस लॉर्ड. एसीपी प्रद्युमन, आप यहां आइए. एसीपी प्रद्युमन, आपकी तहकीकात पूरी हो गई है? यस माय लॉर्ड. क्या रिजल्ट क्या निकला है? परितोष जी को फंसाया गया है सर. यही तो मैं कह रहा था मिलॉर्ड, ये एक मनगढ़ंत कहानी है. जी हाँ, ये एक कहानी है. जिस तरह से डॉक्टर फारूक की, उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया. आज तो आपने हद कर दी एसीपी प्रद्युमन, कहीं ये ड्रामा आपको भारी ना पड़ जाए. माय लॉर्ड, कोर्ट का अपमान मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता. ये बात बताने का कोई और रास्ता नहीं था सर. पर ये किया कैसे? सर, कल कोर्ट के कॉरिडोर में हम परितोष जी से टकराए. हमारे पास में एक ट्रे थी जिसमें काफी सामान था. जब परितोष जी ने एक क्ले का बॉल हाथ में उठाया तो उनकी सब उंगलियों के प्रिंट्स हमें मिल गए. उस प्रिंट पे एक सॉल्यूशन डाला तो जैसे फिंगरप्रिंट्स इनके हाथ के हैं वो एक एक करके हमें मिल गए. फिर वो प्रिंट एक ग्लव पे चिपकाए गए. बस हो गया इनका हाथ तैयार. फिर वो निशान गन पे और ग्लास पे लगा दिए गए. ऐसा ही डॉक्टर साळुंखे के साथ हुआ सर. एक रविंद्र नाम के आदमी ने उनसे बदला लिया. हाँ, मैंने बदला लिया है. साळुंखे ने मुझे सजा दिलवाई. मैं उसे सजा देना चाहता था. देखा चेहरा कैसा हो गया था कोर्ट में उसका. अब किसी को जेल नहीं भेजेगा वो. गलत. अब भी वो यही काम करेंगे. तुम जैसे गीदड़ों से अगर वो डरने लगे ना तो हर पुलिस वाले को घर में छुप के बैठना पड़ेगा. फिर भी ये आइडिया आया कहां से, ये नकली फिंगरप्रिंट्स का? जेल में एक पढ़ा लिखा मुझे ने मिला था, उसी ने मुझे सिखाया. और उस आदमी को कितने पैसे दिए थे जो डॉक्टर साळुंखे की गाड़ी के सामने आया था? 1000 रुपए. फिर उसी को ही मार दिया सिर्फ डॉक्टर साळुंखे से बदला लेने के लिए? जान ले ली उसकी. एक मासूम आदमी का खून करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है. कोर्ट डॉक्टर साळुंखे को बाइज्जत बरी करती है. थैंक्स मिलॉर्ड. थैंक यू सर. Congratulations, dost. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.